हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक गाइस। यूपी स्कॉलरशिप 2021, क्या आज के बाद से अब छात्रों की नहीं मिलेगी कोई छात्रवृत्ति? मतलब जिन छात्रों का आज स्कॉलरशिप आ जा रहा है, क्या उसके बाद छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा? कई सारे छात्र इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो भी मतलब लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि 27 तारीख के बाद नहीं आएगा। तो देखिए, इस गलत फहमी को मैं दूर करने वाला हूँ। वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा कि आपका स्कॉलरशिप कब तक आएगा, और जिन छात्रों का आज आ जा रहा है अच्छी बात है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, साथ ही जिनका नहीं आ रहा है उनका कब तक आ जाएगा, कंप्लीट वे में एकदम बताने वाला हूँ यार वीडियो में। और साथ ही एक चीज़ और क्लियरली कर दूँ आपको कि यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ अपने स्क्रीन पर कि नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का आखिर स्कॉलरशिप कब आएगा। गाइज, बहुत ज़्यादा परेशानी ये बच्चे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड मेरा दिखा रहा है पीएफएमएस के स्टेटस पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे छात्र वाकई में बेचारे परेशान हैं कि उनका स्कॉलरशिप कब आएगा। देखिए, कई सारे छात्र हैं जो अब तो हम तो क्या काम हमारा रोज़ 1500 लोगों का मतलब देखना, कमेंट जवाब देना, तो वहीं कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है। देखिए, 2 से 3 दिन तक बच्चे जो बच्चे पहले कह रहे थे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है सर मेरा स्कॉलरशिप कब आएगा, अभी आज कमेंट करके कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं, परसों कह रहे हैं कि सर आ गया स्कॉलरशिप, ये अमाउंट आया है, ऐसे आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, मतलब उनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखा रहा था, मगर कई छात्रों का डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला गया है और कई छात्रों का मतलब अंडर प्रोसेसिंग दिखाने लगा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही डेट है, डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, और साथ ही मतलब एक्सटेंड तो है ही यार। मान के चलो कि 10 अप्रैल तक आपका स्कॉलरशिप मैक्सिमम आने वाला है, हार्डली आएगा। और देखिए, आज मैक्सिमम छात्रों का स्कॉलरशिप आएगा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का, और कल तक भी आएगा ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का। तो उसके बाद थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी तो यार स्कॉलरशिप का ही एक पार्ट है, इस चीज को आप अपने जहन में क्यों नहीं सेट करते। और साथ ही एक चीज आपको और बता दूं कि बहुत ही तेजी से आ रहा है छात्रों का स्कॉलरशिप। यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही तेजी से आ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा छात्रों का आ रहा है। आपको 4 से 5 मैं दिखाने वाला हूँ एज अ प्रूफ के तौर पर कि किन किन छात्रों का कितना अमाउंट आया है, कौन सा कोर्स है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा कास्ट है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल अबाउट द पीएफएमएस स्कॉलरशिप स्टेटस। तो गाइज यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़्यादा सोचो समझो मत, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो तुरंत, उसके बाद फिर वीडियो को देखना फर्दर। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिनको इससे रिलेटेड समथिंग प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है यार अब तक के यूपी स्कॉलरशिप को लेकर, तो कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इसके पहले मैं वीडियो में कुछ और चीज़ों पे बात करूँ, आपको पहले उसको सब कुछ दिखा देता हूँ। देखो यार, एकदम क्लियरली दिखा देता हूँ सच्चाई के तौर पे कि यहाँ पे आपको मैं 5-6 ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ जिसमें साफ साफ आपको पता चल जाएगा स्कॉलरशिप आने लगा है, वो आज की डेट में आ रहा है, मतलब 27 मार्च 2021 को। ये आप समझिए, अभी अभी समझ लीजिए, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है और ये अभी डेट भी नहीं आया हुआ है। तो ये 13,770 रुपये आया है पॉलिटेक्निक के एक छात्र का, जिसका कि थर्ड ईयर का वो छात्र है, जनरली वो एससी कैटेगरी का है। इस बार उसका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो जनरली आता था 28,000 समथिंग या फिर 32,000, लेकिन इस बार कम हुआ है। तो ऐसे छात्र का सवाल है, क्या मेरा स्कॉलरशिप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल चांस है आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी आने का, क्योंकि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगर जो भी जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं उनका भी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए आपको एक और प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कि 56,600 रुपये का ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी के ये छात्र हैं, इनका भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी ना सोचिए कि एक ही स्क्रीन शॉट बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। देखिए गाइस, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर सेम टाइप का आ रहा है, किसी किसी का आ रहा है 56,600 रुपये, किसी किसी का आ रहा है 58,700 रुपये, किसी किसी का आ रहा है 63,400 रुपये, तो किसी किसी का आ रहा है 68,600 रुपये। इस चीज़ को आप अपने जहन में सेट कर लीजिए, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ आपको और क्लियरली बता दूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट है और माइनॉरिटी के भी एक स्टूडेंट का इतना ही अमाउंट आया हुआ है, 21,984 रुपये। जी हाँ, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अंडर प्रोसेसिंग होने लगा है। वो कब की डेट में हो रहा है? आज की डेट में होने लगा है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ओबीसी वालों का भर के एकदम स्कॉलरशिप आ रहा है, जनरल हो या फिर एससी, स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद पीएफएमएस पे जाइए, अपने स्टेटस को एक बार चेक कीजिए, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सब अकाउंट को नंबर को डाल के चेक कर
कर लीजिए और उसके बाद SMS को चेक करते रहिए। और अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आप अपने अकाउंट बैलेंस को भी चेक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट बैलेंस इसलिए मैं आपको चेक करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे कहीं ना कहीं क्लियर ये होगा कि कभी कभी इस बार क्या हो रहा है, जनरली छात्रों का स्कॉलरशिप PFMS भी नहीं शो कर रहा है, मैसेज भी ना उनके अकाउंट में आ जा रहा है, ये तो गजब बात हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। चलिए आपको बता देता हूँ कि PFMS पे आपको अपना स्टेटस किस तरह से चेक कर लेना है जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड वाला जो समस्या है वो खत्म हो जाए और स्कॉलरशिप दिखाने लगे। गाइस यार आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूँ कि आपको अपना स्टेटस कैसे चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर टाइप करना है क्या चीज़ को टाइप करना है, इस चीज़ को आप देख लीजिए, PFMS टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि नो योर पेमेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे PFMS की ऑफिशियल मतलब साइट पर खुल दे चले जाएंगे और यहाँ से सिंपली आपको क्या काम करना है, डेस्कटॉप साइट ओपन करना है। और जैसे आप यहाँ से डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आप इस वक्त स्क्रीन पर साफ साफ दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार का शो होगा आपके सामने। यहाँ पर आपका जो भी बैंक है, जैसे जिन छात्रों का 2 से 3 अकाउंट है उनका 2 से 3 बैंक होगा जनरली, या फिर हार्डली एक सेम बैंक हो तो वाला अपना बैंक का नाम डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद फिर उनका जो भी अकाउंट नंबर है उसको एक बार फिलअप कीजिए, दूसरी बार फिलअप कीजिए और फिर यहाँ पे जो ये वर्ड वेरिफिकेशन वाला दिया हुआ है इसको फिल करके सर्च मार दीजिए। सिंपल सा एकदम है गाइस। जैसे आप सर्च करेंगे आपका देखिए मैक्सिमम छात्र कह रहे हैं कि उनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो ऐसे छात्र क्या कर लें, तो ऐसे छात्रों को मैं बस इतना कहूँगा कि ऐसे छात्र सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है। आप सीधा इंतज़ार कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इंतज़ार कीजिए। आपका पूरा उम्मीद है यार, 100% चांस है कि आपका स्कॉलरशिप ज़रूर आएगा अगर DWO से वेरीफाई हुआ है। मैं कितनी बार कर रहा हूँ छात्र यार कमेंट ये चीज़ ना करें कि मेरा अभी तक यार नहीं शो हो रहा है सर, DWO से इस दिन वेरीफाई हो गया था, उस दिन हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये सब देखिए। आपको ऐसा करने से स्कॉलरशिप ना मैं मंगा सकता हूँ ना कोई मंगा सकता है। मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट टाइम का एक न्यूज़ टाइप का आप बता देता हूँ, एक अपडेट दे देता हूँ कि हाँ ये अपडेट है, ये अब आएगी, ऐसे आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, इन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो जो देखो भाई सच्चाई है वो बता रहा हूँ, मुझे कोई लालच टाइप का नहीं है कि हाँ मैं अपने लालच के लिए आपको कुछ भी झूठा अफवाह दूँ, झूठी सांत्वना दूँ, झूठा ढाढ़स बांधूँ, ये चीज़ें मैं इनमें यकीन नहीं करता। सीधी सी बात है भाई, जो है सो है। और हाँ तो यहाँ से आप PFMS का अपना स्टेटस चेक कर लीजिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि आप अपना बैंक अकाउंट बार बार चेक करते रहिए क्योंकि यार कभी भी आ सकता है। अभी एक रात को मतलब कहीं 2 बजे एक छात्र मेरे को इंस्टा पर मैसेज किया, स्क्रीनशॉट भेजा, कहा कि सर देखिए मेरा स्कॉलरशिप जो है वो PFMS पर अंडर प्रोसेसिंग दिखाने लगी है। हम कहे धन्य हो भैया, माने 2:30 बजे रात को आप भेज रहे हैं, सही बात है, 12 बजे उस बंदे का, 12 बजे रात को, आप समझ सकते हैं कि उस टाइम उसका अंडर प्रोसेसिंग लगा है स्कॉलरशिप। तो कहीं ना कहीं कभी भी लग सकता है, तो आप चेक करते रहिए। अभी 2 घंटे पहले करीब 10 से 20 छात्रों का मैसेज आया था, ये इसमें भी आया था, यूट्यूब कमेंट में भी आया था, इंस्टा में भी आया था पर्सनल मैसेज कि सर हमारा PFMS लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। तो आपका भी अगर लग जाए PFMS या फिर स्कॉलरशिप आ जाए तो आप इंस्टा पे हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, PDF फॉर्मेट में भेज सकते हैं, साथ ही अमाउंट भी बता सकते हैं कितना अमाउंट आया है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप कमेंट में सिर्फ अपना अमाउंट बताइए जिनका स्कॉलरशिप आ गया है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तभी आप कमेंट कीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, आप कमेंट कीजिए, मैं खाली हूँ तो कमेंट का जवाब ज़रूर दे रहा हूँ यार। अभी कमेंट का जवाब देकर ही उठा हूँ करीब 100 कमेंट्स का, उसके बाद फिर आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर मौजूद हुआ हूँ। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत सारा ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। देखिए वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल ना हो तो यार वीडियो को लाइक मत करना, मैं लाइक के लिए कुछ नहीं करता, लाइक से जनरली हमें यार मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अगर आपको पसंद ही नहीं आई होगी या फिर आपको हेल्पफुल नहीं हुआ होगा, ये आपके देखिए सोचने का मैटर करता है कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्योंकि मैं तो यार हेल्पफुल रहने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, 4 से 5 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ तक कि कभी कभी 10-10 टॉपिक एक ही वीडियो में, एक ही 10-10 प्रॉब्लम सोल्यूशन दे जाता हूँ। तो यार वीडियो को इसलिए तो कहता हूँ कंप्लीट वॉच करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इस चीज़ का समझ नहीं है, जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनके पास शेयर कीजिए। तो गाइज यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो आपका छोटा सा फर्ज बनता है कि अगर आपका भाई आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है, दिन में 3 वीडियो अपलोड कर रहा है, 4 वीडियो अपलोड कर रहा है, सिर्फ आपके लिए ही तो कर रहा है, तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को तोड़ फोड़ के जैसे भी हो अपना बना लीजिए और प्रकाश से यूटेक के साथ जुड़ जाइए। तो गाइज जय हिंद, वंदे मातरम।